तो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और हाँ हाँ, मुझे पता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही, मतलब मैंने लास्ट वीडियो 5-6 महीना पहले डाला था, ठीक है। तो देखो, इसका एक कारण है कि पहले मैं 9th में था तो उतना पढ़ाई मुझे नहीं करना पड़ता था, बट अब मैं 10th में हूँ तो यार पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। अभी दिवाली की छुट्टी हुई है तो हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को भी दिवाली की खूब शुभकामनाएँ। और हाँ, तो दिवाली की छुट्टियों के कारण ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। सर देखो, उसके लिए सॉरी कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बाकी मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कह क्या आ रहा हूँ, कि भाई पढ़ाई की वजह से नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। तो एक तो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी चले गए, ठीक है। अभी शायद मेरे पास 300-300 सब्सक्राइबर ही पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऑब्वियसली बात है, वीडियो नहीं आएगी तो काफ़ी लोग चैनल छोड़ देंगे और मेरा चैनल भी काफ़ी डाउन हो चुका है ऑलरेडी। तो यार गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। अगर मतलब चैनल पे अगर 500 सब्सक्राइबर ये 20 से 30 दिन में वीडियोस डालने पे अगर आ गए ना, तो मैं वीडियोस हो सका तो डेली डालूंगा, ठीक है। मतलब डेली से मतलब है कि 2 से 3 दिन में मैं पढ़ाई चलता रहेगा, मैं उसके बीच में भी किसी तरह टाइम निकाल के वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो हाँ, अभी मेरे पास कोई और वर्ल्ड तो था नहीं, तो मैंने नया वर्ल्ड बनाया, नया सर्वर बनाया जिसके अंदर अभी मैं खेल रहा हूँ और इसी के अंदर अभी प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो देखो, नॉर्मल सर्वर तो ये है नहीं, आप लोग को पहले से दिख रहा होगा कि ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर देख सकते हो आप लोग स्किल की चीज़ें, जिसके अंदर माइनिंग करूँगा तो उसकी स्किल बढ़ेगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी हम लोग अपना जो नॉर्मल जो प्रथा होती है हमारी माइनक्राफ्ट की, हम लोग वही काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। पत्थर तोड़ना, वुड तोड़ना, टूल्स बनाना और जानवरों को मारना, हालांकि हम लोग अभी करेंगे, अभी किया नहीं मैंने, बट ये काम भी करना है। देखो, स्टोन में ये माइन कर लेता हूँ, उसके बाद चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा अपना टूल वूल बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा खाना भी हम लोग को चाहिए होगा, हालांकि आसपास कोई दिख नहीं रहा। और ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि रात हो रही है या दिन हो रहा है भाई, मतलब मैं काफ़ी टाइम से आया हूँ इधर। और ओके, अचीवमेंट भी है इधर, मतलब एक्चुअली जावा एडिशन का सर्वर है, जावा एंड पॉकेट एडिशन दोनों का सर्वर है, तो इसीलिए इसमें एडवांसमेंट भी दिखाई दे रहा है। वैसे हमारे इस वाले माइनक्राफ्ट के अंदर भी एडवांसमेंट जो है, पॉकेट एडिशन में एडवांसमेंट माइनक्राफ्ट वालों ने दे दिया है ऑलरेडी, ये तो आप लोग को ही पता होगा। मतलब मैं 5-6 महीने से माइनक्राफ्ट खेला ही नहीं, तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता है। तो देखो, अगर आप लोग कुछ ऐसा नया पता रहेगा ना कि कौन कौन सी चीज़ें नई आई हैं, तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि अभी मैं बहुत ही नूब हो चुका हूँ माइनक्राफ्ट में, क्योंकि अभी काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जिनकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो, हमारा एक फ्रेंड भी आ चुका है जो कि हमारे साथ खेलने वाला है, हालांकि मेरे ख्याल से अब पता नहीं हमेशा खेलेगा कि नहीं, अभी तो आ गया है, चलो ठीक है। और हाँ, एक चीज़ की इस सर्वर में मैं ऐसा पहली बार नहीं खेल रहा हूँ ऐसे मोडेड सर्वर में, मैं पहले भी ऐसे सर्वर में खेल के आप वीडियो डाल चुका हूँ कई बार, ठीक है। जिनको नहीं पता वो लोग जाके चेक कर लो, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक भी दे दूँगा। और हाँ चलो, अब हमारा दोस्त भी आ चुका है, अब थोड़ा एक्सप्लोरेशन पे चलते हैं, क्योंकि ये बायोम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब मुझे ग्रीनरी बायोम बहुत ज़्यादा पसंद है और ये पूरी तरह से ग्रीन नहीं है, तो मुझे इधर रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। और आप लोगों का कौन सा सबसे ज़्यादा पसंदीदा, मतलब मेरा तो ग्रीनरी वाला, मतलब कोई भी जैसा जंगल बायोम कैसा होता है, अगर उसे फ्लैट कर दो ना एकदम ग्रीन ग्रीन, बहुत मस्त लगता है मुझे। वो वाला बायोम मुझे तब पसंद है जब एकदम प्लेन हो। और अपना ये फ्लैट वाला बायोम होता है, ग्रास बायोम जो भी बोलते हो उसको, वो वाला पसंद है अपना नॉर्मली बस। और मुझे एक भी बायोम पसंद नहीं, स्नो वाला बायोम भी मतलब हल्का फुल्का पसंद है, हालांकि उतना भी कुछ खास मुझे वो पसंद नहीं है। आप लोगों को कौन सा बायोम पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। ओके चलो, फिर हम लोग थोड़ा खाना वाना भी ले लिए हैं हालांकि। और सर, आप कुछ अपग्रेड करोगे कि बस इधर ही जाके कुछ कर वर लो ना? ओके चलो, हाँ मार सर, एज योर विश सर, लीजिए। ओके चलो, मज़ा आ गया, मैं तो चाहता ही था मारना भाई, इन्होंने तो सामने से एडवाइस भी दी, भैया मार दो मेरे को, आ जाओ, ठीक है, मज़ा आ गया। सर आप कहाँ भाग रहे हो, आपको भी मरना ही होगा, मुझे खाना दे दो पहले, हाँ वरना फिर रात होने वाली। अब भाई सच्ची में अभी तक रात नहीं हुई या दिन नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक, ये सूरज उधर का उधर ही क्यों टिका हुआ है, सच्ची बोल रहा हूँ। मैंने इसमें कुछ भी छिड़कानी नहीं किया, मुझे नहीं पता है। अरे अरे सर, कहाँ भाग रहे हो आप, जरा रुको तो सही भाई, इनको एक बार मारा तब, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था, उसके बाद मेरे को हिट करके भाग रहे, रुको तो भाई। देखो मेरा हेल्थ ओके, मैं खुद ही अपना हेल्थ कम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हाफ हर्ट और पूरा हेल्थ हंगर बार तो इनकी वजह से गया ना। रुको तो भाई, कहाँ भाग रहे, रुको बताता हूँ इनको मैं। बहुत इतना अंधेरा भाई, एक मिनट रुको, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ अभी दिख रहा, बहुत बढ़िया। ओके भाई कहाँ है ये, बैठे बैठे तो नहीं ना? ये देखो सर, इनको लगा अंधेरे में दौड़ नहीं पाऊँगा।
छोड़ो कोई बात नहीं, अभी मारूंगा इधर ही, फिर से लड़ाई नहीं करना चाहता मैं ना, यू नो आई एम अ पीसफुल पर्सन। ओके तो चलो इधर ही मैं थोड़ा सा, देखो अगर आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा थोड़ा रोशनी का सा कर देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, खाना मेरे पास थोड़ा सा हो गया है तो ओके सी रोशन हो गया ये इधर। ओके सर गुफा ढूंढ लिया, ये गुफा कम मुझे हम नहीं कुछ नहीं जानता, कुछ ज़्यादा ही छोटा गुफा नहीं है ये, मतलब पानी के अंदर है वो भी ये गुफा, कहीं से बाहर जाने का रास्ता है ही नहीं, सिर्फ पानी के अंदर से आने जाने का रास्ता है। फ्यूल ख़त्म हो गया भाई इतनी जल्दी, क्या करूँ मैं अभी। और ये देखो ये क्या लेवल हो गया, एंड्योरेंस लेवल, अब पता नहीं इससे क्या मिला मुझे। ओके चलो, वैसे सबसे अच्छा फ्यूल जो है ना वो लेडर होता है, ठीक है, मतलब 6 लेडर आप डालोगे, मतलब इससे अगर 6 वुड डालते हो तो उससे आप 6 लेडर डाल दो भाई बहुत मस्त चलेगा, ठीक है। तो देखो ये 5-6 लीटर में ना मेरा आई थिंक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट चलो खाना पकाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो यार हम लोग घूमते घूमते आ चुके हैं एक केव में, ठीक है, और जाने का मन तो नहीं था बट ये ज़ॉम्बी देखा मैं और मैं बोला एक बार मार के देखते हैं। भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ इस बंदी की, सच्ची बोल रहा हूँ, 3-4 अगर शॉट मैंने अभी पॉकेट एडिशन वाले ज़ॉम्बी को मारा, 1 मिनट इसे तो मैं मार रहा था ना, अचीवमेंट इनको वैसे मिला, मैं मेरा अचीवमेंट चोरी कर लिया बेफालतू में। और अभी 1 मिनट रुको, ये मरने वाला है मेरे ख्याल से। चलो मुझे भी अचीवमेंट मिल चुका है इस चीज़ का। और भी यार मुझे एक बात नहीं समझ में आई अभी तक कि इतना ज़्यादा हेल्थ है, हाँ यही तो मैं ही बोल रहा हूँ, इसके पास कितनी हेल्थ है भाई, मतलब कितना मारना पड़ा था। और तो और ये मुझे एक बायोम दिखा, रुक जाओ 1 मिनट, ये बायोम है भाई, ये कौन सा बायोम है, और इसमें आग लग गई है, वाह आते ही आग लग गई भाई, मतलब मैंने नहीं लगाया, देख लो पहले बोल रहा हूँ मैं ये सब गंदे काम नहीं करता। और ये नूबड़े को देख लो, ये भाई कोयला माइन करने में पड़ गए, और इधर तो कुछ है नहीं, मैं ऊपर जाना बिल्कुल नहीं चाहता, नहीं तो कोई मार वार देगा भाई, मैं देख रहा हूँ कितना ज़्यादा हेल्थ है, कोई स्केलेटन स्केलेटन मिल गया तो मार भी नहीं पाऊँगा उसको तो मैं। और भाई ये बायो मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है ना, और मुझे जस्ट अभी पता चला कि ये सरजी ने इसके अंदर एक मोड डाला है जिससे ये मतलब हमारे रियल टाइम से कनेक्ट हो चुका है, हमारे रियल टाइम में अभी इधर, मतलब मैं ये वीडियो जो है ना सुबह बैठ के बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे अभी जस्ट सुबह ही हो रहा है, अभी मैं अगर रात को बनाता तो यहाँ पे रात होगा, मतलब हमारा रियल टाइम जैसा रहेगा वैसा माइनक्राफ्ट में इस सर्वर के अंदर वैसा टाइम रहेगा। ये मतलब ठीक ठाक लगा मुझे, कुछ मतलब कहीं ना कहीं इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ इसके नुकसान भी हैं। बाय द वे ऊपर चलना है क्या हम लोगों को, ऊपर करने क्या जाएंगे वाला, मैं तो जा रहा हूँ एक मस्त सी जगह ढूंढने भाई, मैं जा रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। और ये सर पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, आई थिंक मेरे पीछे आ रहे होंगे। और ये देखो इधर मतलब मुझे एक बायोम मिला था, वो भी इतना घटिया सा बायोम, मतलब पूरा जंगल ही जंगल है भाई बीच में। ओके सर कहाँ चले गए, और देखो यहाँ पर लावा हर जगह पर फैला हुआ है, पानी भी है, मतलब लावा सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मुझे कभी ऑब्सीडियन है बहुत सारे लावा की ज़रूरत है ना इधर मैं आ जाऊँगा। और भाई इतने सारे काउज यहाँ पे हैं, खाने की तो कभी कमी ही नहीं पड़ेगी, पहले से वैसे मेरे पास कमी नहीं है, है लेकिन थोड़ा टाइम तक चलेगा वो खाना, लेकिन यहाँ पे इतने सारे काउज हैं कि इन्हें अगर मारूंगा ना तो भाई सब बहुत सारा खाना हो जाएगा हमारे लिए, तो ठीक है। तो देखो यार ये सर आ नहीं रहे हैं, आई थिंक ऊपर ऊपर चढ़ गए हैं पहले से ही, मैं बोल रहा हूँ भाई वैसे काफ़ी मस्त स्ट्रक्चर है, मैंने मतलब पहले ये पहाड़ देखा नहीं कितना ऊँचा है भाई, और ये आई थिंक और भी ऊंचा होगा, मुझे पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये देखो एकदम अबे कूद गए भाई डरवर ने, अरे अच्छा ठीक है ये भी ठीक है, मतलब यार ऐसे कैसे कूद गए, मैं होता तो ठीक है यार तुम प्रो बंदे, मतलब मैं तुम्हें नो भले बोले लेकिन तुम प्रो हो, मुझे पता है तुम प्रो हो, मैं भी एक बार जा रहा हूँ पर देखता हूँ भाई कितना ऊँचा, मतलब ऐसा क्या है, मज़ा आ गया ठीक है। चलो मैं मेरे को भी जरा ये मज़ा लेना है, मैं चल कर देखता हूँ आखिरकार ऐसा क्या है ऊपर। तो देखो यार मैं तो ऊपर आ चुका हूँ ठीक है, और ये थोड़ा सा और ऊपर, 1 मिनट ये थोड़ा सा है भाई, इतना ऊंचा है ये, अरे सच्ची में मुझे लगा था बस इतना ही होगा, कितना ऊंचा है भाई ये, ये भगवान इतना चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, इतने पास तो मेरे पास ब्लॉक्स भी नहीं है, इसे चढ़ने के लिए तो मुझे तोड़ना पड़ेगा फिर ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा, भाई बहुत ऊँचा है यार, और अगर यहाँ से गिरे तो गए ख़त्म टाटा बाय बाय ठीक है। तो यार अब देखते हैं भाई कितना ऊंचा है, मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर इसीलिए मैं चढ़ रहा हूँ, और ऊपर से मुझे इसका नज़ारा भी देखना है ठीक है कैसा दिखता है। आप लोग को पता होगा मतलब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने एक बार 200 ब्लॉक ऊपर एक घर बनाया था ठीक है ना, तो यार
क्या ये भी उतना ऊंचा होगा, लेकिन वो वाला जो पहाड़ था ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ऐसे पतला सा पहाड़ है ना, वो मोटा वाला पहाड़ था थोड़ा सा, तो उसके ऊपर मैं घर बना पाया था। इसके ऊपर कुछ बना नहीं सकते हम लोग, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म ऐसा एक्सटेंड करना पड़ेगा हम लोगों को। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बनाने वाला, वैसे भी वाला बयाम मेरे को पसंद वसंद है नहीं, मतलब पहाड़ पसंद है मेरे को, पहाड़ के ऊपर घर और बनाना, बट ये बयाम नहीं पसंद है मेरे को बिल्कुल भी। तो चलो मैं ऊपर एक बार चल के देखता हूँ भाई कितना ऊँचा है। फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये लूबड़ा अभी तक ऊपर नहीं पहुँचा, हालांकि यही पहुँच गया। और मैं ऊपर आया हूँ ये दो आयरन के लिए, जी हाँ ये दो आयरन के लिए मैं ऊपर आया हूँ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा। अब मैं पहले इस आयरन को तोड़ूंगा। और भाई ये सच में मुझे 200 लगा था और लगभग 201 है, ये 201 पे, समझ रहे हो भाई, बादलों के ऊपर हैं इस समय हम लोग। और विश्वास करने लायक नहीं है लेकिन बादलों के ऊपर भी बारिश हो रही है, सच्ची भाई। बादलों के ऊपर कौन से बादल हैं मुझे ये बताओ पहले। और एक मिनट सर, क्या बोल रहे हैं, कूदो, मैं पागल हूँ? नहीं मैं पागल तो नहीं, मुझे पता है, लेकिन ये सर मुझे पागल समझ रहे हैं क्या भाई? मुझे कुछ दिख तक नहीं रहा, कहाँ कूदूँ, नीचे पानी का है मुझे वो भी नहीं पता है, और इसके चारों तरफ पानी है भी कि नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि पानी तो इसके नीचे था, यहाँ से कूद भी सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है। मैं चुपचाप से जैसा आया था ऊपर वैसा ही जा रहा हूँ, ठीक है सर? आपको कूदना है क्या? मैं तो निकल रहा, ठीक है, बाय, गुड बाय, ठीक है, चलो भाई हम चलते हैं नीचे, और हमको ये रिस्क विस्क नहीं लेना है, ठीक है। और कुछ दिख भी नहीं रहा भाई, मैं सोचा ना कूदो यार, कैसे कूदो यार भाई, मेरे को मरना है क्या भाई? आपको अगर कूदने का है तो कूदो, इतने आप तो भाई कितने ऊपर से, अभी मैं देखा था इतने ऊपर से कूदे थे कि उनको कम से कम दिखाई दे रहा था पानी है। अरे लेकिन किधर है मुझे ये नहीं पता ना, मुझे पता है पानी है नीचे लेकिन किधर है मुझे ये नहीं दिख रहा है भाई। तुम्हारा पता नहीं कितना चंक लोड करके रखे हो, मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो आशा करता हूँ भाई बताएंगे सर जी मेरे को कि आखिरकार पानी किधर है, एक बार कूद के देख ही लेते हैं। मतलब यार 200 ब्लॉक ऊपर से अगर मैं कुछ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और तभी मैं पानी में कूद जाता तो बड़ी मस्त चीज़ हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक कोई ऐसा कर भी नहीं पाएगा पहले, मतलब तुक्का मार के किया होगा शायद। देखते हैं क्या इस साइड पानी है, वैसे कोयला है, कोयला ले लेते हैं क्योंकि खाना पकाने के लिए काम आएगा मेरे लिए, ठीक। तो अब सर जी कह रहे हैं यहाँ से कूदो और बोल रहे हैं पानी इधर है, मन कर रहा है इनको इधर से धक्का दे दूँ, मर मरा जाए पिछली बार की तरह, बस मजा। ओबे क्या कर, अरे मैं गया पक्का गया, वो तेरी तो एक ब्लॉक से बच गया मैं भाई, देखा, अरे भाई एक ब्लॉक से बचा, हार्ट अटैक आने वाला था मुझे, पागल वागल है क्या ये सच? देखो डरावनी सी स्माइल कर रहा है वो भी, यार ये भगवान यार क्या बताऊँ, एक ब्लॉक से बचा हूँ। अगर मैं ऐसा अपना कंट्रोलर दबाता है आगे पीछे करने का ना, मैं गया था 100% ख़त्म था भाई, मैं क्या बताऊँ यार। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इस बात को, मैं अभी के लिए बच गया हूँ। और देखो आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अगली वीडियो में हम लोग चलेंगे कुछ, मतलब अपने लिए कम से कम एक बेस ढूंढने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर देना, और चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।